आज मैं सुबह सो के उठता हूँ, देखता हूँ बहुत ज्यादा कोहरा है। तो सबसे पहले मैं ब्रश करके गुड़ पानी पी लेता हूँ। गांव के कुछ समझदार लोग गपशप मार रहे हैं तो इनको छेड़ के मैं आगे निकल जाता हूँ। दोस्तों आज इतना ज्यादा कोहरा है कि सूरज का कुछ आता पता ही नहीं चल पा रहा है। देखो मैं दिखा रहा हूँ कितना ज्यादा कोहरा है। इस वीडियो को देख करके मैं गर्मियों के दिनों में पसीना पोंछ पोंछ के याद करूंगा क्या ठंडियों के दिन में कोहरे आया करते थे। पुल पे आके मैं अस्थायी रूप से खड़ा जाता हूँ। लड़की लड़के चल लेते हैं पढ़ने के लिए। इधर कुछ लोग अपने आप को सेक रहे हैं आग से। सूरज भाई के पास आता हूँ तो सूरज भाई सो ही रहे थे। इनको जगा करके मुंह धोवा करके हम लोग आ जाते हैं घूमने के लिए रोड की तरफ। चलो भाई घूमते हैं। तो कोहरे में एक अंकल जी डेयरी पे दूध दे करके जा रहे होते हैं। तब तक मेरा मूड बन जाता है दौड़ने के लिए, रनिंग करने के लिए। सूरज भाई को मोबाइल पकड़ाता हूँ, लो भाई मैं थोड़ा रनिंग करता हूँ। मैं उधर से घूम के आ ही रहा था, देखा कि सरकारी वाले जो हमारे गांव के बच्चे पढ़ते हैं सब वापस आ रहे थे। पूछा भैया क्या हुआ, तो बोले भैया हमारे 14 दिन के लिए छुट्टी हो चुकी है। कई भाई खुशी मनाओ, बहुत लंबा तुम लोग छुट्टी हुई। तो सब लोग हंसते गाते हुए हम लोग साथ में आते हैं घर। घर आता हूँ तो मैं बेवड़ी बकरी को चद्दर उड़ाता हूँ क्योंकि गिरा चुकी है। और ये हमारी प्यारी भगनी गाय। तो काफी ज्यादा ठंड लग रही थी तो अनिल भाई पुआल लाते हैं आग बांधने के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें क्या हुआ।